नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महिला पुलिस, महिला पुलिस, महिला पुलिस, महिला पुलिस, यही टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर महिलाओं के अश्लील चित्र इंटरनेट पर वायरल करने वाले आरोपियों के परिवारजन द्वारा न्यायालय के बाहर पुलिस की उपस्थिति में पीड़िता के ऊपर हाथ उठाने से गरमाया मामला। दोस्तों, पिछले दिनों वसई तालुका के अरनाला पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले कलम गांव अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें तकनीकी क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाने वाली एआई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर नाबालिग बच्चियों समेत महिलाओं के अश्लील चित्रों और वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने वाले कलम गांव के ही दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में बड़ी बात यह है कि दोनों आरोपी मुंबई पुलिस में कार्यरत पुलिसकर्मी के बेटे हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही करने में पुलिस कोताही बरत रही है, ऐसा आरोप पीड़िताओं द्वारा किया जा रहा है। हालांकि बीते सप्ताह मामला गरमाने के बाद अरनाला पुलिस ने पोस्को एक्ट की धाराओं समेत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वसई न्यायालय में पेश कर दिया था। आपको बता दें कि अपने आप में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जाने वाला पहला मामला है जिसमें ये गुनाह दर्ज हुआ है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आज 28 तारीख तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद आज दोनों आरोपियों की फिर से कोर्ट में हाजिरी थी। और जब पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में हाजिर करने लाई, तब अग्निसेना महिला व पुरुष पदाधिकारियों के साथ निषेध व्यक्त करने कोर्ट परिसर के बाहर काले झंडे लिए खड़ी पीड़िताओं में से एक पीड़िता पर आरोपी के परिवार ने पुलिस की उपस्थिति में ही मारने हेतु हाथ उठाया। जिस समय यह घटना हुई उस समय वहां पत्रकार भी मौजूद थे और उनका कैमरा भी शुरू था और सभी मामला उस समय कैमरे में कैद हो गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस घटना के बाद निषेध व्यक्त करने आई महिलाएं भड़क गई और पलटवार करते हुए हाथ उठाने वाले के पीछे भागने लगी। तभी पुलिस ने एक रिक्शे को रुकवाकर हाथ उठाने वाले को वहां से उनके घर भेज दिया। बाद में वहां उपस्थित महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और नजदीकी वसई पुलिस स्टेशन में जाकर कथित मारपीट करने वाले आरोपी पर मामला दर्ज किए जाने की मांग की। पुलिस स्टेशन पहुंची पीड़िताओं के साथ अग्निसेना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल भी मौजूद थे। कैलाश पाटिल ने इस पूरे मामले पर अरनाला पुलिस द्वारा आरोपियों से संगठन मत कर आरोपियों को बचाने में सहयोग करने का आरोप लगाया। कोर्ट में हाजिरी के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। वीडियो में आगे देखिए ये पूरा मामला। पोलिसांसमोर त्यांनी एका महिलेवरती हात उचलला, ते कॅमेरात आलाय, तरी सुद्धा पोलिसांनी पोलीस शिक्षा देत नाहीत, पोलीस आमच्यासाठी उभे राहिलेच नाहीत। आणि आताही जाणार नाही, आम्ही 2020 मध्ये गेलेलो पोलीस कंप्लेंट करायला, पोलिसांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही बाहेर निघा। या दोघी जणी पहिल्या व्यक्ती माहित 2020 सालाच्या तुमच्या पोलिसांनी सपोर्ट नव्हता केला, तेव्हा तर पोलिसांनी आम्हाला सपोर्ट केला असता तर आज आम्ही इथे नसतो। ही मुलं तेव्हा 14-15 वर्षाची होती, आम्ही घरी समजावून पण सांगितलं होतं, पण कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन त्यांना कोणी सापडलं नाही। इव्हन त्याच्या आई वडिलांसमोर ते व्हिडिओ बनवत आहेत असं त्या मुलांनी स्पष्ट सांगितलं। वडील पोलीस खात्यामध्ये आहेत, वडील सुद्धा ते व्हिडिओ बघतात आणि ती लोक त्यांना पूर्ण सपोर्ट करतात। त्याचे सगळे नाते, ही जी दोन मुलं होती ही त्यातलीच आहेत, कारण हे सख्या आत्याची मुलं आणि हे स्कॅन्डल आहे। पूर्णपणे 10 ते 15 मुलं आहेत तिथे नातेवाईक आहेत, तिच्या त्याच्या मावशीची मुलं, त्याच्या आत्याची मुलं, ही सगळ्यामध्ये सहभागी आहेत। आणि ती आज सगळीजण इकडे आलेली होती, त्यांना आता त्यांचे एवढे बिंदास झाले आहेत की आज हे दोघांना सुटले तर आम्हीही सुटू। आणि गावातल्या एक साधी झलक पण लावून दिलं की लोक तिकडे आलेली, आम्ही सकाळी 9 वाजल्यापासून इकडे आहोत, पण आम्हाला ते दाखवलं नाही। हात उचलू शकत एवढे पोलीस असताना आम्हाला गावात
चहा पिऊ शकतात, त्यांच्या दारामध्ये पोलिसांना चहा मिळतो, त्यांचा पाहुणचार केला जातो, आणि त्याच गावातले मुली ज्या ह्यांच्यावर सहन करतात त्यांना प्रोटेक्शन नाही. उद्या आमची आबुर गेली या मुलांमुळे, त्यांनी फोटो व्हायरल केले नाही घेत, हा आमचा प्रश्न नाहीये, हे तुम्ही स्वतः करणार पाहिजे पोलिसांनी. पोलिसांचे फोटो कसे असले पाहिजेत ते आमचे कळू लागतात, आम्हाला तसं नाही पाहिजे. ह्याचा विरोध करत असताना मी स्वतः पाहिलं की त्याने या महिलेवरती हात उचलला, माझ्या आईला का मारला हो, आणि तेव्हा हे सगळे पोलीस तशी तुम्ही आता रिसर कंप्लेंट करणार का? वीडियो में अभी इतना ही. वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. नमस्कार. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.